ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मशाला से शिमला को रवाना होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व सांसद शांता कुमार से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने अकेले में करीब एक घंटे तक मंत्रणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हर मुलाकात का मकसद राजनीतिक नहीं होता है। मुलाकात में संगठन ये सरकार से संबंधित मुद्दों पर ही चर्चा की गयी है। धर्मशाला से शिमला को रवाना होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व सांसद शांता कुमार से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने अकेले में करीब एक घंटे तक मंत्रणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हर मुलाकात का मकसद राजनीतिक नहीं होता है। मुलाकात में संगठन ये सरकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। धर्मशाला से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का नाम चर्चा में आने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव है तो बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे विषयों पर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान ही करती है। धर्मशाला के दूसरी राजधानी के मसले पर मुख्यमंत्री ने सिर्फ यही कहा कि धर्मशाला उनके दिल में है। उन्होंने सौरभ वन विहार के बारे में कहा कि मानसून के बाद इस पर काम किया जाएगा, जिसे लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि पालमपुर नगर निगम के गठन पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए MOU किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री व शांता कुमार की इस मुलाकात के दौरान अन्य कोई भी नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। शांता कुमार से मिलने पालमपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वापस लौटते समय लिफ्ट में फंस गए। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में निर्धारित संख्या से अधिक लोग आ गए थे, जिस कारण लिफ्ट फंस गई। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। यद्यपि कुछ ही समय में लिफ्ट को पुनः चालू कर दिया गया, परंतु जब तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा शांता कुमार बाहर नहीं आए, सुरक्षा कर्मी तथा स्टाफ की सांसें फूली रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से हटकर शांता कुमार से मिलने पालमपुर पहुंचे थे। ऐसे में मंत्रणा के पश्चात जब वे वापस लौट रहे थे तो ये घटना घटी। लिफ्ट में मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार, नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया तथा कुछ अन्य लोग सवार थे। देखिए शांता जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जब भी मेरा यहाँ कांगड़ा आना होता है मुलाकात होती रहती है। कई बार मुलाकात नहीं होती है तो बात होती है, तो आज मुझे लगा कि मैं यहाँ आया हूँ और काफ़ी अरसे के बाद आना हुआ है। और साथ साथ में जहाँ कांगड़ा में हमारे जो है वो संगठन से संबंधित, सरकार से संबंधित बहुत सारे मसले जिनको लेकर के समय समय पर हम बात करते रहते हैं, वो भी बातें हमने साझा की हैं, और इनका आशीर्वाद हमारे लिए काफ़ी है। और उस दृष्टि से हम आते हैं, बहुत सारी बातें अनौपचारिक रूप से हमारी बातें होती हैं। ऐसा कोई विशेष कोई राजनीतिक मकसद के साथ ही हम मिलते हैं या बात करते हैं, ऐसा नहीं है। सर, उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर भी मंत्रणा हुई है? आप असली मुद्दे पर आ रहे हैं, देखो अपने मुद्दे पर। देखिए उपचुनाव स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा, और जब उपचुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से चर्चा पार्टी के संगठन के प्रमुख नेताओं के साथ होगी होगी, सब लोग सर धर्मशाला, और उसके मुताबिक फिर आगे चीजें मिलकर के काम करने के लिए जो बढ़ती हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर धर्मशाला में उपचुनाव होगा अभी तो सर, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का नाम सबसे आगे आ रहा है टेट के लिए, कहाँ तक सर ये इसको हम लेके चलेंगे, उनका नाम है? देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मित्रों का। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से सारी चीज़ें इस तरह से हुई हैं। नाम बहुत सारे चले हुए हैं, चलते रहते हैं जब इस तरह का चुनाव होता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है। जिसका निर्णय होगा उसके लिए काम करेंगे, उसको जिताएंगे बस। सर आर्थिक मंदी की बात की जा रही है, GDP कम हुई है, ऐसी बात कही जा रही है, प्रदेश में इन्वेस्टर मीट प्रपोज्ड है, तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं मानता हूँ ये दौर पूरे दुनिया भर में चल रहा है रिसेस का, इस वक्त जो है वो रिसेशन का जो दौर चल रहा है, तो रिसेशन के इस दौर में थोड़ी बहुत इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा उस तरह से नहीं है। हमारा हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, हम बहुत बड़े लक्ष्य के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ये करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर जो है वो टारगेट रखा है स्वाभाविक है हमने, लेकिन फिर भी हिमाचल में कुछ इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकें जो हिमाचल के विकास में अपना योगदान दे सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
और मैं इस बात को कह सकता हूँ जो हमने MOU किए हैं उसमें एक साइजेबल अमाउंट जो है वो ग्राउंडेड होता साथ साथ में भी दिख रहा है और जो जमीन पर दिखेगा आपको। सर पालमपुर के सौरभवन बिहार और नगर निगम को लेकर क्या रूपरेखा है आगे? सर देखिए, सौरभवन विहार का नुकसान हुआ, क्षति हुई है और स्वाभाविक रूप से जो चीज़ें एक साल पहले जो डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करने के लिए हमने जो प्रोसेस चलाया था उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई और जिस कारण से वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है काम हम ठीक तरह से शुरू नहीं करें। हमने अधिकारियों के साथ बातचीत कर लिया, तय कर लिया है कि ये मानसून हमारा जैसे समाप्त होता है उसको अच्छी स्थिति में लाएंगे, जो निश्चित रूप से सर कर लिया है। सर एक धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाया गया था, आज क्या स्टेटस है सर उसका? देखिए, राजधानी कागजों में बना करके रखना और उसका फिर वो दिखाते रहना, ये मुझे लगता है बेवड़िया। हमारे धर्मशाला हमारे दिल में है तो इसलिए दिल में रहने दीजिए, जगह दिल में रहने दीजिए। सर नगर निगम का सर जी क्या बन रहा है? सर नगर निगम का किस संदर्भ में अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।